हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोटलिक फिल्म। सैमसंग के फोन्स में कैशे प्रॉपरली कैसे क्लियर करता है, आज हम वही देखने वाले हैं। कैशे क्लियर करने के बाद फ़ोन का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज आपको फ़ोन को रिकवरी मोड में लेके जाना पड़ता है। सो आपको आपके सैमसंग के फ़ोन को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। Once your phone is connected via USB cable to your laptop or desktop, power off the phone. Power off होने के बाद हमें power up button and power button दोनों को hold करके रखना है थोड़ी देर के लिए, until we see the Samsung logo. इसके बाद आपका phone automatically recovery mode में चला जाएगा। As you can see here now, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज यूज़ कर सकते हो और ओके के लिए पावर बटन। सो हमें थोड़ा नीचे नेविगेट करना है एंड वाइप कैशे पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन प्रेस करना है। पावर बटन प्रेस करने के बाद ये आपसे कन्फर्मेशन पूछेगा इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर योर कैशे पार्टीशन। सो कैशे क्लियर करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड ओके बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो आपके बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स जो अपडेट के कारण फ़ोन में पड़े रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण आपका फ़ोन फास्ट परफॉर्म करता है। सो कैशे क्लियर करने का यही एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैशे का कन्फर्मेशन मिलेगा, कैशे वाइप कम्प्लीट। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रिबूट ऑप्शन मिल जाएगा। सो वहाँ पर आपको सिर्फ पावर बटन प्रेस करना है, आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा एंड देन वी आर डन। ये आप मोस्ट ऑफ द सैमसंग फोन्स के साथ कर सकते हो गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।